नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। मोकामा के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव को लेकर कैथोलिक चर्च में भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। प्रभु यीशु के गौशाला को मनमोहक ढंग से सजाया गया है। सूबे के कोने कोने से इस चर्च में यीशु भक्तों का आगमन होता है। क्रिसमस के दिन विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन कर विश्व में सुख शांति की मंगल कामना की जाती है। विश्व भर के 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, अर्थात प्रभु यीशु क्राइस्ट का जन्मोत्सव। ईश्वर मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आए, शांति का संदेश, न्याय, प्रेम, भाईचारा, समाजशीलता का संदेश लेके आए हैं। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे और सर्दी का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हर तरफ ठंड से जनजीवन त्राहिमाम कर रहा है। सुबह में घने कोहरे से सड़कों पर रफ्तार का ब्रेक भी लग गया है, तो ठंड से पूरी जिंदगी कराह रही है। बावजूद जिला प्रशासन गरीबों को राहत प्रदान करने की कोई कवायद नहीं कर रहा है। उधर गोपालगंज जिले के हथुआ में सैनिक स्कूल गोपालगंज ने अपना 16वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस वर्ष स्पर्धाओं का केंद्रीय विषय फिट इंडिया अभियान रहा। वहीं मुख्य अतिथि मुरादाबाद के सानिया घराने के 7वीं पीढ़ी के मशहूर सारंगी वादक उस्ताद कमाल शाबरी ने अपने सारंगी से प्राचीन परंपराओं की झनक पैदा कर दी। बार थाना चौक स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के पास अकलियत जदयू कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित जदयू बार जिला अध्यक्ष दिलीप पटेल का पुतला फूंक कर अपने ही पार्टी में उल्टी गंगा बहने का संकेत दे दिया है। वह भी उस समय जब निकट भविष्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली योजना को लेकर मोकामा का संभावित दौरा होने वाला है। पुतला दहन के समय नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष के प्रति आक्रोशित अकलियत नेता अनवर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय को गले लगाने की बात करते हैं, तो बार जदयू जिला अध्यक्ष द्वारा सक्रिय अकलियत कार्यकर्ताओं की हर बैठक में उपेक्षा की जाती है। मीटिंग या आयोजन होता है, इसमें या किसी भी मुसलमान व्यक्ति को, मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये मुझे भी खबर नहीं देते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को हम किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, और एक तरफ हम लोगों को दरकिनार करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। यदि आप हमको अपना मानते हैं तो दोनों हाथ से दिल खोल करके हमको गले लगाइए, और इस तरीके के हम देखी हम मुसलमान मुख्यमंत्री मोकामा में आ रहे हैं और आज पुतला दहन, तो मोकामा में भी मुख्यमंत्री के सामने हम अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार के खजाने की स्थिति चरमरा गई है, जिसको दुरुस्त करने के लिए सरकार नई नई तरकीबें इजाद कर रही है। इसी तरकीब का एक हिस्सा है वाहन पर लाल टीका लगाओ और ₹50 वसूल कर लाओ। चार दीवारी के अंदर खड़ी इस बाइक के हेडलाइट के ऊपर लगी लाल टीके को गौर से देखिए और अनुमान लगाइए इसकी कीमत क्या होगी। मुश्किल से इसकी कीमत ₹5 होगी, जबकि पुलिस की मौजूदगी में हर थाना क्षेत्र में वाहन चालकों से इसकी कीमत ₹50 वसूली जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी थाना क्षेत्र स्थित NH 31 का ये नजारा है। वहीं इस बाबत बेलछी पुलिस का कहना है कि उन्हें वितंतु के माध्यम से जो आदेश आया है उसका पालन करवा रहे हैं। वहीं वसूली करने वाले कथित अधिकारी बताते हैं कि किसी ठेकेदार के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नाम पर वाहनों पर टीके चिपकाए जा रहे हैं। बताइए तो कि क्या लगा रहे हैं? रोड सेफ्टी का थे सर। अच्छा, कितना ले रहे हैं गाड़ी पर? 10 कर लिया सर। अरे आप बताइए तो कितना गाड़ी पर ले रहे हैं आप? इधर ये हरनौ जा रहे थे बेलछी के पास, 1 किलोमीटर दूरी अंतर पर लगा वो गाड़ी रुकवाया, रुकवाने के बाद वो कहा कि ₹50 लाइए। भाई ₹50 तो हमारे पास नहीं है, नहीं देना पड़ेगा। हम कहे ठीक है भाई, ले लीजिए, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से देगा। वहाँ पुलिस भी थी? हाँ, पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाहन सारा कुछ वहाँ पर, और आम पब्लिक भी 10-15 था वहाँ पर।
झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हुई जीत पर बाढ़ में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और इसके साथ ही सबने एक सुर से झारखंड में महागठबंधन की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इसके साथ ही सब लोगों ने संकल्प लिया कि झारखंड के बाद अब बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का झंडा लहराएगा और सत्ता परिवर्तन होगा। शिव सोरेन जिंदाबाद, झारखंड जीते हैं बिहार भी जीतेंगे, झारखंड जीते हैं बिहार भी जीतेंगे। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के सपाहा गांव शिव मंदिर के निकट सड़क निर्माण के लिए अलकतरा लेकर आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्रामीणों के सहयोग से उसमें फंसे चालक को किसी तरह बाहर निकाला जा सका। वहीं ट्रक पलटने से 33,000 वोल्ट के बिजली का पोल भी टूटकर गिर गया, परंतु विद्युत से कोई खतरा नहीं हुआ। झारखंड चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार में भी महागठबंधन के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मोतिहारी में भी राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी। राजद कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुरेश यादव और विधानसभा प्रभारी मणि श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी छोड़े। जिंदाबाद। ये जो अहंकारी थे, अहंकारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को, युवाओं को ठगने का काम किए, किसानों को ठगने का काम किए, वो देश को बांटने का काम किए और संविधान को उन खतरे में डालने का काम किए, जिसका नतीजा झारखंड के जनता ने उनको देने का काम किया है। बेगूसराय में CAA कानून और NRC का जबरदस्त विरोध जारी है। संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक और हिंदू समाज के लोगों ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। वही आक्रोश मार्च में शामिल लोगों का कहना है कि केंद्र की सरकार धर्म के आधार पर देश को बांटने के लिए CAA लाई है। उन्हें अगर हिंदुओं की ही चिंता थी तो तीन देश के अलावा अन्य देशों के शरणार्थियों को क्यों नहीं शामिल किया गया। जन सैलाब देख रहे हैं, ये NRC CAA के सिर्फ खिलाफ ही नहीं है, यह जन सैलाब, आज का जन सैलाब यहाँ के तानाशाही शासकों के जो धमक की राजनीति करते हैं उसके खिलाफ भी जो है यहाँ के जन सैलाब को देख रहे हैं, उस रूप में देख रहे हैं। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झारखंड में महागठबंधन की जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में कांग्रेस नेता रत्नेश कुमार टुल्लू के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को अबीर लगाकर मिठाइयां भी खिलाई। दरभंगा पहुंचे जनाधिकार पार्टी के संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह उन लोगों की जीत है जो भारत की सलामती चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश को जलाने वाले और देश को तोड़ने वालों के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। 70% उन लोगों की जीत है जो भारत की सलामती चाहते हैं, भारत की एकता चाहते हैं, भारत के संविधान में जिनका विश्वास है, भारत के वसुधैव कुटुंबकम के साथ जीना चाहते हैं, जो बिरसा मुंडा जैसे भगवानों पर आस्था विश्वास करते हैं, ये उनकी जीत है जिन्होंने देश के जलाने वाले और देश को तोड़ने वालों के खिलाफ मत दिया। झारखंड की जनता को बधाई। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।